friends, hope you all are fine and healthy. As you know, we have completed our 2 chapters and also sent you the worksheets of 2 chapters. So now we will start our 3rd chapter, Fiber to Fabric. What's the name of the chapter? Fiber to Fabric. As you know, in 2 chapters we have studied about food. है ना, हम 2 chapters में हमने किसके बारे में पढ़ा? Food के बारे में पढ़ा. As you know that human beings need 3 most important things. Food, clothes and shelters. है ना, तो हमने food के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया. Now we will study about the clothes. So in fiber to fabric we will study about the clothes. है ना, so first we will see what we have to learn in this chapter. First I will tell you variety of fabrics. How is fabric made? What is fiber? Types of fiber. Plant fiber. In plant fiber, I will explain you about cotton and jute. Then spinning of cotton yarn. That how we can spin the cotton yarn. That means how we can make a cotton clothes. Yarn to fabric, weaving and knitting. These are the sub topics we will study in this chapter. So let's start with our first topic. What is fabric? पहले हम क्या पढ़ेंगे कि फैब्रिक क्या होता है. हमारे चैप्टर का नाम ही फाइबर टू फैब्रिक है. सो लेट्स सी व्हाट इज फैब्रिक. द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेक क्लोथ इज कॉल्ड फैब्रिक. ऐसा कोई भी मटेरियल जो हम यूज करते हैं टू मेक अ क्लोथ, है ना, हम मार्केट में जाते हैं तो हमको बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्लोथ देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं, हम किसी भी शॉप में जाते हैं तो. सो दैट फैब्रिक व्हिच वी यूज टू मेक अ क्लोथ, ऐसे मटेरियल्स जो हमें क्लोथ बनाने के लिए काम आते हैं, वी कॉल्ड इट अ फैब्रिक. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस आर द मटेरियल्स व्हिच वी यूज टू मेक अ क्लोथ. नाउ वी विल सी वेराइटी ऑफ फैब्रिक, है ना, हमारी शॉप में इन डे टू डे लाइफ देयर इज अ वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. इन अ मार्केट वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. हमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स मिलते हैं. वैरायटी ऑफ फैब्रिक मींस लाइक सम इज कॉटन, सिल्क, जूट, नायलॉन, रेयॉन, दीज आर द सम नेम ऑफ द फैब्रिक्स व्हिच वी वांट इन अवर डे टू डे लाइफ, है ना, हमें ये सारे फैब्रिक्स की नीड होती है. किसी को कॉटन अच्छा लगता है, किसी को सिल्क अच्छा लगता है, किसी को रेयॉन अच्छा लगता है. सो एवरीवन वांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक सीम्स टू बी अ कंटीन्यूअस पीस. देखो ये एक पूरा कंटीन्यूअस पीस होता है. जो फैब्रिक होता है वो कैसे होता है? इट इज अ कंटीन्यूअस पीस. अगर हमें उसमें से अगर कोई क्लोथ बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ शर्ट, वी कट द दैट फैब्रिक एंड दैट फ्रॉम दैट पीस ऑफ फैब्रिक वी मेक अ शर्ट. ओके, इट मींस फैब्रिक इज अ कंटीन्यूअस पीस. सी दीज आर द सम कॉमन फैब्रिक्स. कॉटन, सिल्क, जूट, पॉलिस्टर, नायलॉन, वूल, दीज आर द सम कॉमन फैब्रिक्स विच वी यूज इन अवर लाइफ. ठीक है, ये कुछ फैब्रिक्स के नाम है. कॉटन, सिल्क, जूट, पॉलिस्टर, नायलॉन, वूल, दीज आर द सम कॉमन फैब्रिक्स. दे आर अदर फैब्रिक ऑल्सो, और भी बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं. नाउ हाउ इज फैब्रिक मेड. अब फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक के लिए भी कुछ नीड्स होंगी. सो लेट्स सी. हियर सी, आई एम शोइंग अ पीस ऑफ क्लोथ. ये क्लोथ का पीस है. ठीक है, वेन यू जूम इट, जब तुम उसको बहुत अच्छे से कोई भी फैब्रिक आप देखोगे, अपना शर्ट का पीस देखोगे, कोई भी क्लोथ देखोगे, यू विल सी दैट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल थ्रेड्स. है ना, आपने देखा होगा कि आपका फैब्रिक जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स, है ना, दैट स्मॉल थ्रेड इज नोन एज यार्न. ओके, सी लिसन हियर, वेन यू सी द फैब्रिक, दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ स्मॉल थ्रेड्स, दैट स्मॉल थ्रेड्स आर नोन एज यार्न. ओके, and when you split the yarn, see this is a yarn, the single thread is known as yarn. And when you split the yarn, देखो जब आप yarn को भी split करते हो, you see that yarn is still made up of thin threads, है ना? जो आपका yarn होता है वो thin threads का बना हुआ होता है. That thin threads are known as fibers. Okay? So it means your fabric is made up of yarn. Yarn means that when you see clearly, you will see that fabric is made up of small threads. That small threads are known as yarn. And thus, yarn is still made up of thin threads. That thin threads are known as fibers. Okay? It means fabric is made from fibers. Fibers se hi kya banta hai? Fabric banta hai. So, let's see what is fiber. The thin strands of threads that we see are made up of still thinner strands are called fibers. Jo aapka yarn hota hai still made up of the thin thread that is known as fibers. Fiber
रेड लाइन बटन, ये बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं. सी हियर यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज योर यार्न एंड दिस आर द यार्न इज मेड अप ऑफ स्टिल थिन थ्रेड्स दैट इज नोन एज फाइबर्स. ये जो छोटे छोटे और धागे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फाइबर्स. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ फाइबर्स. बहुत सारे फाइबर्स के टाइप्स भी होते हैं. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर. ओके, सो व्हाट इज नेचुरल एंड नेचुरल फाइबर्स स्टिल स्प्लिट इनटू द टू पार्ट्स दैट नेचुरल फाइबर्स आर टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स. ठीक है, सो फाइबर्स कितने टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, इट इज नायलॉन एंड रेयन. योर नेचुरल फाइबर्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू टाइप्स, प्लांट फाइबर्स एनिमल फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, कॉटन एंड जूट. एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल वुल एंड सिल्क. नाउ वी विल स्टडी अ डिटेल अबाउट वन बाय वन. फर्स्ट वी विल सी द नेचुरल फाइबर्स. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. ऐसे फाइबर्स जो हमें कहां से मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, दीज आर नोन एज द नेचुरल फाइबर्स. Then, what are the advantages of natural fibers? So, these fabrics absorb more water and sweat. जो natural fibers होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारा sweat और बहुत ज़्यादा water को क्या करते हैं, absorb करते हैं. They allow to air to pass through them. मतलब वो इतने lightweight होते हैं कि air उनसे easily pass हो जाती है. They are biodegradable and do not affect the environment. ये biodegradable होते हैं, मतलब easily ये क्या हो जाता है, decompose हो जाते हैं, spoil. डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं कुछ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो लेट्स सी, दे मे श्रिंक ऑन वॉशिंग. जब भी आप नेचुरल फाइबर्स को वॉश करते हो, दे कैन बी श्रिंक, श्रिंक मतलब छोटे हो जाते हैं. दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, वो जल्दी नहीं सूखते बिकॉज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब द वॉटर. दे डू नॉट रिटेन देयर सीड्स फॉर लॉन्ग, वो ज्यादा टाइम तक के नहीं होते हैं, वो उनको कुछ टाइम तक ही हम पहन सकते हैं, देन देयर कलर्स विल बी फेड और ये बहुत सारी चीजें होती हैं. नेचुरल सिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव एंड क्वाइट नॉट अफोर्डेबल. जो नेचुरल सिल्क होता है, जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके सिल्क, तो नेचुरल सिल्क जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और उसको अफोर्डेबल करना भी बहुत मुश्किल होता है. देन प्लांट फाइबर्स, हम नेचुरल, मैंने आपको बोला नेचुरल फाइबर्स के टू टाइप्स हैं, विच आर दे प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल्स फाइबर. सो लेट्स सी अबाउट प्लांट फाइबर्स. The fibers that are obtained from plants, these fibers are extracted from the plants to make fabric. ऐसे fibers जो आपको plant में से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, plant से, we call it a plant fiber. Example, cotton and jute. See, this is a cotton and this is jute. So, cotton and jute are the example of plant fibers. Now, animal fibers. Animal fibers are those fibers which we get from animals. ऐसे fibers जो हमें animals से मिलते हैं, we call it animal fibers. Examples, wool and silk. We get the silk from silkworm and we get the wool from sheep, llama, alpaca. These are the animals from which we get the wool. Now the next, synthetic fiber. As I told you, there are two types of fiber, natural fibers and synthetic fiber. So natural fiber humne padh liya. Natural fibers bhi hume do types ke hote hain, that is plant fiber and animal fiber. So now we will see synthetic fiber. The fibers which are made from chemical substance in industry is called synthetic fiber. ऐसे फाइबर जी होते तो we get from naturally, हमें जो animals जैसे cotton से wool ये सब मिलते हैं वैसे हमको मिलते, but we send into the industries and there it was reacted with a chemical substance. उनको chemical substance के साथ treat किया जाता है ताकि वो और shiny हो सके और अच्छा material उसमें से बन सके, we call it a synthetic fiber. Nylon, polyester, rayon are the example of synthetic fiber. Synthetic fibers also means artificial fiber and man-made fibers. ऐसे fibers जो industries में prepared होते हैं, we call it as synthetic fibers. Synthetic fibers also known as artificial fiber or a man-made fibers. Nylon, see there are some examples of synthetic fiber. Nylon, rayon, polyester, carrion. These are the examples of synthetic fiber. Now we see advantages of synthetic fiber. They can be washed and dried quickly. ये
बहुत जल्दी बहुत सूख जाते हैं, बिल्कुल जल्दी सूख जाते हैं। दे आर इजी टू मेंटेन, दे आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। ये जो नेचुरल फाइबर्स से भी क्या होते हैं, लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए बेटा हमको सब जगह ये मटेरियल्स मिल जाते हैं। डू नॉट स्प्रिंकल इजिली एंड वी आर ड्यूरेबल। इसको क्या, जब आप वॉश करते हो तो इसमें जो व्रिंकल जो खून जाता है वो ज्यादा नहीं आता है। इट इज वेरी प्लेन मटेरियल। Now this synthetic is all synthetic fiber. They do not allow air to pass through them and hence they are good for summers. इनमें से air pass नहीं होती, इसलिए they are good for summers. They do not absorb sweat. वो sweat को बिल्कुल भी absorb नहीं करते. They easily catch fires and they are non-biodegradable. ये कैसे होते हैं? They are non-biodegradable. So students, read up to the synthetic fiber. Thank you. Have a nice day ahead.